हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो वेलकम और वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल. आज का जो हमारा वर्ड है वो है एंटागोनिज्म. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन. एंटागोनिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली और पार्टली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. एंटागोनिज्म वो रिलेशनशिप है बिटवीन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को पार्टली या फिर कम्प्लीटली इनहिबिट कर देता है. अगर एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया और फंजाई का एग्जाम्पल है इसमें, या फिर फंजाई फंजाई का भी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया है या पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसकी उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को कोई एक ऐसी फंगस है जो रोक दे रही है. हम लेबोरेटरीज में टेस्ट करके देखते हैं ऐसे, या फिर कोई ऐसी फंगस है जो दूसरी पैथोजेनिक फंगस का रोक रही है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है. ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल हो सकता है, कोई भी दो फंगस हो सकती हैं. ये इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटल वर्क होंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि कौन से दो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपस में एक दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं. सो एंटागोनिज्म का मतलब यही होता है कि दोनों में से कोई दो ऑर्गेनिज्म के बीच में वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों में से कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट करता है कम्प्लीटली या फिर पार्टली. आई होप आपको ये वर्ड का मतलब समझ में आया होगा. अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.